हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और हमारा जो चैप्टर वन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका एक्सरसाइज का मैराथन चालू है। तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपके एक्सरसाइज में, उसका 8th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ओके, तो सॉल्व करने के पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, जैसे इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वेयर फाउंड टू बी 6.12। ओहम का एक्सपेरिमेंट किया गया और चार वैल्यू को नोट किया गया, जो था 6.12 ओहम, 6.09, 6.22, 6.15। ये हम लोगों ने वैल्यूज नोट कर लिया। अब हमें बोल रहा है कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सारे का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोग ने थ्योरी इसका सीखा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन में हम लोग को जो फर्स्ट वैल्यू जो नोट किया गया वो है 6.12 ओम। सेकेंड वैल्यू जो हमने नोट किया वो कितना नोट किया, 6.09। जो थर्ड रीडिंग हमारे पास है वो है 6.22 ओम एंड जो फोर्थ रीडिंग है हमारे पास वो है 6.15। क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दो। सबसे पहले अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके लिए मुझे मीन एरर निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो आपका रीडिंग ए है उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मीन कैसे निकाला जाता है, सब लोगों को पता है। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सारे वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर दो, राइट। ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला वैल्यू क्या हमारा, 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15, राइट। इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करते हैं, जितना नंबर रहता है, कितना नंबर है, चार, फोर से डिवाइड कर देंगे। एडिशन कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7 प्लस 9 16 प्लस 2 18, 1 कैरी हो गया 2 4 5 24, 24.58 अपॉन 4, जो कि आपका आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 6.145 ओहम। ये हम लोगों को मीन वैल्यू मिल गया, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब ये सबसे परफेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, मीन बाद में मिलेगा। ठीक है, डेल्टा ए जिसको बोलते हैं, राइट, देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा ए वन, पहले वाले वैल्यू में एरर निकालना है। वो कैसे मिलेगा, मीन माइनस ए वन, राइट। तो आपका मीन कितना है, 6.145, उसमें से ए वन को माइनस करूँगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 6.145 माइनस 6.12, इसको 120 लिख लेते हैं। 145 में से 120, 6.145 में से 6.120 को आप माइनस करोगे तो ये हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 0.025। सेकेंड वाले रीडिंग का हम लोग एरर निकाल लेते हैं, 6.14 ए मीन माइनस ए टू, 6.145 माइनस ए टू का वैल्यू क्या है, 6.09, 6.090 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, राइट। कितना हो जाएगा, ये 145, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास मिल जाएगा 0.055 माइनस करोगे। अब थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं एरर का, ये हो जाएगा ए मीन, दैट इज 6.145 माइनस थर्ड वैल्यू 6.22, जिसको आप 6.220 भी लिख सकते हैं। 145 में से 120 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 75, यानी कि 0.075, क्लियर। और लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा 6.145, यानी ए मीन माइनस लास्ट वैल्यू ए फोर 6.15, जिसको आप लोग 6.150 भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 0.005। ये आपको एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अब इसका मीन निकालना है आप लोगों को, क्या निकालना है, मीन निकालना, मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अब हम लोगों को अगर एब्सोल्यूट एरर जो मिला है उसका अगर मीन निकालना है
तो हम कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होता है वो होता है सारे एब्सोल्यूट एरर का एडिशन, डेट इज़ A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, और इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट, सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट है, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ जगह के लिए, ओके चलो ऐड कर लेते हैं, जब मैं इसको ऐड करूंगा आगे सॉल्व कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। क्वेश्चन को आंसर से सेपरेट कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेल्टा ए मीन सबका एडिशन कर लो, 0.25, 0.055 सबका एडिशन करके डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, 0.025 प्लस 0.055 प्लस 0.075 प्लस 0.005, करेक्ट है। इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 4 से, क्या वैल्यू आता है देख लेते हैं, ऐड कर लो 25 प्लस 55, राइट, 25 प्लस 55 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 75 कितना हो जाएगा 155, 155 प्लस 5 60, यानी कि 0.160 आ गया अपॉन 4। आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने अपने तरीके से कर लिया, नंबर को ऐड कर लिया, डिवाइड करोगे 4 0 0 0 डिवाइड कर लेते हैं, 4 0 0 हो जाएगा माइनस 0, ये 1 कैरी हो जाएगा, 4 0 0 वापस से 1, और ये 6 कैरी हो जाएगा, 4 4 16 और 0, 0.040 हो जाएगा, ठीक है, 0.040 ओम। ये आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर का मीन आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन हम लोग को मिल गया, ये वाला वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला हमारे पास, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया, डेल्टा ए मीन आया है, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, ए मीन से डिवाइड करोगे, यही फॉर्मूला है। तो आपका डेल्टा ए मीन क्या आया, देखो ये रहा 0.040 आया है, डिवाइड करोगे आप ए मीन से 6.145, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, मिलेगा 0.065, ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, और ये भी आप लोगों को निकालने आता है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एरर का मतलब होता है जो आपका रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो रिलेटिव एरर इंटू 100 बराबर क्या है देखते हैं, 0.0065 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 0.65%, और ये आपका क्या मिल गया, रिलेटिव, क्लियर। तो ये हमारा सारा वैल्यू मिल गया, राइट, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस से आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करो, आप फास्ट इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर ये वैल्यू रॉन्ग आ गया तो सारे वैल्यू आगे के रॉन्ग आते चले जाएं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आई होप कि सबको समझ में आया, एक बार प्रैक्टिस कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।